हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक हनुमान भोसले। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने यहाँ वाकड़ एरिया में एक क्लिनिक अभी रिसेंटली खुला है, जो कि हृदय संबंधित सभी रोगों का तपास और इलाज करता है। मैंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से और बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से ट्रेनिंग ले चुका हूँ, जो कि इंडिया के बहुत रिनाउंड है और वेल एस्टैब्लिश्ड है। जैसे कि मैंने MBBS किया है सेठ जेम्स मेडिकल कॉलेज एंड केम हॉस्पिटल मुंबई से। ये महाराष्ट्र का एक नंबर का कॉलेज, मेडिकल कॉलेज माना जाता है, जहाँ से मैंने मेरे MBBS की ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैंने MD मेडिसिन, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है, और DM कार्डियोलॉजी, जिसको सुपर स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। ये भी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, जिसका नाम है PGIMR एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, यहाँ से कम्प्लीट किया है। ये भी इंस्टीट्यूट इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट मानी जाती है ट्रेनिंग के लिए। ये दोनों इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे पेशेंट लोड बहुत रहता था और जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव आल्सो अचीव सम अदर डिग्रीज, सच एज जैसे कि सेकेंडरी DMB कार्डियोलॉजी। ये जो डिग्री है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली से दिया जाता है, वो भी मैंने क्लियर किया है विद डिस्टिंक्शन। मैं एक गोल्ड मेडल स्टूडेंट हूँ इन कार्डियोलॉजी। जब मैं हृदय रोग का कोर्स सीख रहा था, जब मैंने इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट की, तो मैं एक गोल्ड मेडल लेके वहाँ से पास आउट हुआ था। आई वॉज अ यूनिवर्सिटी टॉपर फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। इसके बावजूद ट्रेनिंग करते करते हुए भी मैंने बहुत सारे पब्लिकेशंस किए हैं, जैसे कि नेशनल हो या इंटरनेशनल, दोनों जर्नल्स में बहुत सारे पब्लिकेशंस किए हुए, बहुत अच्छे रैंकिंग से एक्सेप्ट हुए हैं। नॉट ओनली दैट, आई एम अ मेंबर ऑफ बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है और नेशनल इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट हो, जिसका मैं एक मेंबर हूँ, जैसे कि कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और सोसाइटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशन, ये जो है USA के वेरी रिनाउंड कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसका मैं मेंबर हूँ, जहाँ से हमेशा हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि पेशेंट को कैसे किस तरह से बेहतर इलाज किया जाए, डायग्नोस किया जाए और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव किया जाए। सो आई एम इन कंटिन्यूअस एसोसिएशन विद देम टू मेक द पेशेंट्स लाइफ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी प्रोडक्टिव। तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं कार्डियोलॉजी हृदय रोग के जितने भी संबंधित लक्षण हैं, जैसे कि सीने में दर्द होना, सांस फूलना, पैर सूजना, दिल की धड़कन बढ़ना, कम होना, बेहोशी आना, चक्कर आना, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से देखता हूँ, उसका निदान करता हूँ, उसके बारे में टेस्ट जितने जरूरी है उनके टेस्ट करता हूँ, उसके बाद हम उसका इलाज करते हैं। हम कई तरह के दिल के रोग होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो, अरिथमियाज हो, कई वॉल्स की बीमारियाँ हो, कोई बचपन से या जो जन्म से दिल की बीमारियाँ, उन सब की चीज़ों के यहाँ पे निदान करता हूँ और उसके बारे में इलाज करता हूँ। तो ऑपरेशन के बारे में ये कहा जाए तो मैं हार्ट के सभी ऑपरेशन करता हूँ, जैसे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टीज, पेरिफेरल एंजियोप्लास्टीज, किडनी का एंजियोप्लास्टी, ब्रेन के नसों का एंजियोप्लास्टीज, और जैसे और दिल के जब छेद भी होते हैं उनको क्लोज करने के लिए, जैसे कि डिब्बी के द्वारे या पैर के द्वारे, हम पैर के थ्रू डिब्बी के द्वारे उसको बंद करते हैं, जैसे कि ESD रहता है, BSD रहता है, PDA रहता है, RSOD रहता है, उसको हम पैर के द्वारे कम से कम चीरा लेके उसको ठीक करते हैं। उसके बावजूद हम कुछ डिवाइसेस भी हार्ट में बिठाते हैं, जैसे कि पेसमेकर, जिसको हम पेसमेकर बोलते हैं, जिसको कि सिंगल चैम्बर होता है, डबल चैम्बर होता है, शॉक देने वाला पेसमेकर होता है, उसको ICD कहते हैं, या शॉक प्लस पंपिंग बढ़ाने वाला मशीन होता है, उसको CRT कहते हैं, उसको भी हम अच्छी तरह से बिठाते हैं। सो ये बहुत सारे ऑपरेशन में मैं एक्सपर्टीज किया है इन सब इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद जो भी मैंने काम किया है उसमें।